अनुपमा सीरियल की मेन लीड। रूपाली गांगुली जो सीरियल में अनुपमा के किरदार को निभाती है, उन्होंने सीरियल के आगे की कहानी को लेकर बयान दिया है, जिससे इस सीरियल के आगे की कहानी साफ हो जाती है। रूपाली गांगुली का बयान सीरियल को लेकर कितना इंपॉर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूपाली टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है और उनका सीरियल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आखिर उनके बयान से क्या साफ होता है, उसी के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। आप सभी को पता ही होगा कि अनुपमा सीरियल हमेशा ही टीआरपी चार्ट में टॉप पोजीशन पर रहता है और हमेशा की तरह इस हफ्ते भी यह सीरियल टॉप पोजीशन पर ही है। लेकिन सीरियल की टीआरपी रेटिंग्स काफ़ी ज़्यादा कम आई हैं, जिसकी वजह से आईपीएल को बताया जा रहा है। लेकिन सीरियल में अच्छी टीआरपी रेटिंग लाना चाहते हैं, जिसके लिए पहले ही खबर आ चुकी है कि मेकर सीरियल में इस अमेरिका वाले सीक्वेंस को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए आप सभी ने देख ही लिया होगा कि शाह परिवार अब इंडिया लौट चुका है। ऐसे में रूपाली का बयान ये आया है कि अब सीरियल में कुछ अलग देखने को मिलने वाला है और इंटरेस्टिंग देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ सारी सीरियल में लीप की ओर इशारा कर रही है। आप सीरियल को इंडिया में देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट पर आप हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी तरह इस टीवी सीरियल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।